आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आपने क्यों चित्रा आंटी को महाडायन बनने के लिए इतना फोर्स किया था? क्यों आप बार बार उनसे मिलने आया करती थी? आप क्यों चाहती थी कि चित्रा आंटी महाडायन बने? रूबीना खामोशी रहती है, डायना की बातों का कुछ जवाब नहीं देती है। डायना फिर बोल पड़ती है, आप चित्रा आंटी को महाडायन इसलिए बनाना चाहती थी ना, ताकि महाडायन भले ही वो बने पर राज आपका चले, वो वही करे जो आप कहें, एक कठपुतली की तरह आपके इशारों पर नाचती रहे। रूबीना घबराते हुए कहती है, अपनी जुबान पर लगाम दो डायना, कुछ भी मत बोलो। डायना अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ माई, मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है। आपको क्या लगता है कि मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं है? मुझे आपके बारे में सब पता है। आपका तो बचपन से ही सपना था महाडायन बनकर सभी डायनों पर राज करने का, पर आप महाडायन की किसी भी परीक्षा चुनौती में खरी नहीं उतरी, जिस कारण आप कभी महाडायन नहीं बन पाई। इसका मलाल आपको उम्र भर रहा। फिर आप महाडायन निर्णायक दल में शामिल हो गई, ताकि उन डायनों को महाडायन बनाया जा सके जो आपके इशारों पर नाचे, आपकी हर बात माने, पर आपको कभी वैसी डायन मिली ही नहीं। फिर आपके मन में चित्रा आंटी का ख्याल आया, वो चित्रा आंटी जिन्हें डायन समुदाय के नियम कानूनों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो सब चीजों से अनजान थी। आप इसी वजह से बार बार उनके पास जाती रही और उन्हें महाडायन बनने के लिए कहती रही, पर वो तो अपनी दुनिया में पहले ही खुश थी, इसलिए उन्होंने आपके हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और अंत में जब चित्रा आंटी ने अपने पति, अपने बेटे और अपना सब कुछ खो दिया, तो आपने इसी बात का फायदा उठाया। आप उनके पास गई और उन्हें बताया कि महाडायन बनने के बाद वो क्या क्या कर सकती है, और आप जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। आपके कहने पर चित्रा आंटी महाडायन बनने के लिए तैयार भी हो गई, और चित्रा आंटी में सच में महाडायन बनने की काबिलियत थी। उनके अंदर वो सारी खूबी थी जो एक महाडायन में होनी चाहिए थी, और आखिरकार वो महाडायन बनी गई। डायना एक लंबी आह भरते हुए फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोल पड़ती है, चित्रा आंटी महाडायन तो बन चुकी थी और सब डायने उनका आदर सम्मान भी करने लग गई थी, पर वो नहीं हो रहा था जो आप चाहती थी। आप सब डायनों पर राज करना चाहती थी, जो डायन समुदाय के हीरे के बगैर नामुमकिन था। इसलिए आपने फिर चित्रा आंटी को भी डायन वंश के हीरे की अहमियत के बारे में बताया और उन्हें फोर्स किया कि वो उस हीरे को ढूंढे। वो हीरा बंगलामुड़ा गांव में था, और उस वक्त चित्रा आंटी वहां पर नहीं जा सकती थी अपने बिसाहा की वजह से, पर आप वक्त वक्त पर आती रही और उन्हें बार बार कहती रही कि वो डायन समुदाय के हीरे को वापस लेकर आए। और फिर आपके इतना फोर्स करने के कारण महाडायन ने मुझे तैयार किया, मुझे सालों तक प्रशिक्षण दिया ताकि मैं डायन समुदाय का हीरा वापस लेकर आ सकूं। इतना कहकर डायना चुप हो जाती है और एकटक नजर से रूबीना को देखने लग जाती है। रूबीना भी बड़े ही गुस्से के साथ डायना को एकटक देखते रहती है। रूबीना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डायना ने रूबीना के बारे में अब तक जो भी कहा था वो सच कहा था। तभी उसने डायना को उसकी किसी भी बात पर टोका नहीं था। रूबीना बड़े ही गुरूर के साथ कहती है, अब तो तुम्हें सब पता चल ही गया है ना, तो लाओ डायना, ये एकास्त्र मुझे दे दो। डायना पलट कर कहती है, आप चाहती हैं कि ये एकास्त्र मैं आपको दे दूं ताकि आप सभी डायनों पर अपना हुक्म चला सके, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। महाडायन ने कुछ सोच समझ कर ही ये एकास्त्र युग को देकर मुझे सौंपने के लिए कहा था, और अब मैं इसे तब तक किसी को नहीं दूंगी जब तक उस काले साए का अंत नहीं कर देती। रूबीना गुस्से के साथ कहती है, तुम्हें पता है डायना, तुम भी बिल्कुल चित्रा की तरह ही हो, एकदम बेवकूफ। तुम उस काले साए को हराने की बात कर रही हो जिसके पास दैत्यों की शक्ति के साथ साथ दैवीय शक्तियां भी हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि इस एकास्त्र की शक्ति उसका कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये एकास्त्र मुझे दे दो ताकि मैं इसका उपयोग डायन समुदाय की रक्षा के लिए कर सकूं, उनके अस्तित्व को हमेशा के लिए बरकरार रख सकूं। डायना पलट कर कहती है, जब पृथ्वी लोक ही नहीं बचेगा तो डायनों का अस्तित्व तो वैसे ही मिट जाएगा माई, मैं तो खुद डायनों के अस्तित्व को बचाने के लिए उस काले साए से लड़ने की बात कर रही हूँ, ना कि आपकी तरह बस अपना स्वार्थ देख रही हूँ। डायना की बातें सुनकर रूबीना समझ गई थी कि वो उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। रूबीना सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए कहती है, तो तुम्हारे कहने का सीधा मतलब ये है कि तुम मुझे ये एकास्त्र नहीं देने वाली? डायना ना में अपना सिर हिलाते हुए भारी आवाज में कहती है, बिल्कुल नहीं, ये एकास्त्र मैं आपको नहीं देने वाली माई। रूबीना डायना को घूरते हुए कहती है, पर मैं भी यहाँ पर कुछ सोच कर ही आई हूँ डायना, मुझे ये एकास्त्र किसी भी कीमत पर चाहिए, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। डायना भी बड़ी ही चालाकी के साथ रूबीना से पलट कर कहती है, मैं हमेशा से आपके हर फैसले का आदर करती आई हूँ माई, और आज आपके इस फैसले का आदर भी खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। रूबीना अकड़ के साथ कहती है, तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो डायना? डायना ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है,
नहीं नहीं, मैं आपसे कहाँ लड़ना चाहती हूँ माई। लड़ने के लिए तो आप मुझे विवश कर रही हैं, मेरी बात ना मानकर, अपनी जिद पर अड़े रहकर। डायना ने अपने हाथ में जो एकास्त्र पकड़ कर रखा हुआ था, रूबीना अपने हाथ से उस एकास्त्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो तुम इस एकास्त्र से मुझसे लड़ोगी ताकि मैं तुम्हारे सामने आसानी से हार जाऊं, कुछ ही मिनटों में अपने घुटने टेक दो। डायना बड़े ही स्वाभिमान के साथ कहती है, बिल्कुल नहीं, मुकाबला बराबरी का हो तभी उससे लड़ने में मजा आता है। चिंता मत कीजिए, मैं इस एकास्त्र के साथ आपसे नहीं लड़ूंगी, बस अपनी डायनो की शक्तियों से ही लड़ूंगी, ताकि आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्यों महाडायन बनने के काबिल नहीं हैं, आपके अंदर क्या खामियां हैं। आज मैं आपको आपके अंदर की सारी खामियों से रूबरू कराऊंगी। इतना कहकर डायना एकास्त्र को एक पेड़ के नीचे ही रख देती है और वापस से रूबीना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। डायना रूबीना की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या आप तैयार हैं माई मुझसे लड़ने के लिए? रूबीना पलट कर कहती है, तुमसे लड़ने के लिए मुझे तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं यूं ही हरा दूंगी। डायना चुप रहती है। डायना और रूबीना दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एकटक देखने लग जाती हैं, एक दूसरे को गुस्से के साथ घूरने लग जाती हैं। देखते ही देखते उन दोनों की चोटियों में अपने आप एक साथ मूवमेंट होने लग जाता है। उन दोनों की चोटियां उनकी पीठ पर नागिन की तरह लहराने लग जाती हैं और लंबी हो जाती हैं। दोनों चोटियों से एक दूसरे पर हमला करने लगती हैं। दोनों की चोटियां आपस में टकराने लग जाती हैं। जैसे ही डायना की चोटी रूबीना की चोटी से जाकर टकराती है, रूबीना की चोटी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। चोटी के जमीन पर गिरने के साथ ही रूबीना को दर्द का एहसास भी होता है, जैसे किसी ने उसकी चोटी को नीचे नहीं पटका हो बल्कि खुद उसे ऊंचाई से नीचे फेंका हो। पर डायना अपनी जगह से जरा सी भी नहीं हिलती है, जैसे उसने बड़ी आसानी से रूबीना की चोटी को मात दे दी हो। डायना बड़े ताव के साथ कहती है, आपको पता है माई, महाडायन बनने के लिए पहली जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? वो है अपने आप पर नियंत्रण रखना, अपनी शक्तियों को एकत्रित करके सही तरीके से उसका उपयोग करना, जो आपको बिल्कुल भी करना नहीं आता है। डायना की बात सुनते ही रूबीना को गुस्सा आता है। वो फिर से अपनी शक्तियों को एकत्रित करके अपनी चोटी को हवा में उठाती है और डायना पर वार करती है। पर पिछली बार की तरह इस बार भी रूबीना की चोटी डायना की चोटी से टकरा कर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। डायना फिर रूबीना से बोल पड़ती है, महाडायन बनने के लिए दूसरी सबसे जरूरी जो चीज होती है वो है अपने क्रोध पर काबू करना, जो आप कभी नहीं कर सकती हैं। गुस्सा तो हमेशा आपकी नाक पर चढ़ा रहता है। ये बात सुनते ही रूबीना को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से के साथ ही अपनी चोटी को फिर से हवा में उठाती है, पर पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी चोटी का वही हाल होता है। डायना की चोटी इस बार भी रूबीना की चोटी को हरा देती है। डायना फिर बोल पड़ती है, महाडायन बनने के लिए तीसरी और सबसे जरूरी चीज है कि कभी भी अपने शत्रु को अपने आप से कमजोर नहीं समझना चाहिए, सबको अपने बराबर रखकर ही आंकना चाहिए, जो आप कभी नहीं कर सकती हैं। डायना की ये बात कहते ही रूबीना फिर गुस्से के साथ अपनी चोटी को हवा में उठाती है और लगातार डायना पर वार करने लग जाती है। पर डायना की चोटी रूबीना की चोटी के हर एक वार से बच जाती थी और उल्टा रूबीना पर ही वार कर दिया करती थी। डायना के सामने रूबीना कमजोर पड़ने लग गई थी और ये बात कहीं ना कहीं रूबीना भी समझने लग गई थी। जब रूबीना के अंदर की शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो वो अपनी चोटी छोड़कर हाथों से डायना से लड़ने लग जाती है, पर उसमें भी डायना रूबीना पर हावी ही पड़ती है। रूबीना डायना का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, पर वो तब भी लड़ते जा रही थी। डायना रूबीना से लड़ते हुए ही कहती है, अभी भी वक्त है माई, आप यहाँ से चले जाइए, अपनी हार को कबूल कीजिए। रूबीना डायना को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, मैं यहाँ से जाऊंगी तो एकास्त्र लेकर ही जाऊंगी, एकास्त्र को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, समझी तू? इतना कहकर रूबीना फिर डायना से लड़ने लग जाती है। रूबीना और डायना एक दूसरे से लड़ ही रहे थे कि तभी डायना रूबीना को इतनी तेज धक्का देती है कि रूबीना के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। जिस जगह पर रूबीना गिरी थी उसके हाथ के पास ही एकास्त्र रखा हुआ था। रूबीना इतना तो समझ गई कि अगर वो इसी तरह डायना से लड़ती रही तो वो डायना से कभी नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो उसी वक्त फुर्ती के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, एकास्त्र को पकड़ती है और उसे लेकर उठ जाती है। रूबीना एकास्त्र पर अपनी पकड़ जमाते हुए कहती है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता डायना। जब डायना रूबीना के हाथ में एकास्त्र देखती है तो घबरा जाती है और घबराते हुए ही कहती है, ये आप क्या कर रही हैं माई, हमारे बीच तो तय हुआ था कि हम में से कोई भी एकास्त्र का उपयोग नहीं करेगा। रूबीना हंसते हुए कहती है, ये फैसला तो तूने खुद अपनी मर्जी से लिया था डायना, ये फैसला मेरा नहीं था।
डायना घबराती रहती है क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वो रूबीना से एक अस्त्र के साथ नहीं लड़ सकती थी। डायना को मारने के लिए रूबीना अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है, डायना भी पीछे हटने लग जाती है। पीछे हटते हुए ही उसका पैर बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। डायना दर्द से कराहने लग जाती है। ये देखकर रूबीना कसकस कर हंसने लग जाती है। रूबीना समझ गई थी कि डायना पूरी तरह उसकी गिरफ्त में आ गई थी और वो अब उसे बड़ी आसानी से मार सकती थी। रूबीना डायना के पास जाते हुए उससे कहती है, तूने मुझे महाडायन बनने के सारे नियम तो बता दिए, पर शायद तू खुद डायन बनने का सबसे जरूरी नियम भूल गई। जानती है वो नियम क्या है? डायना डरते हुए लंबी लंबी आहें भरते हुए हांफते रहती है। डर के कारण कुछ बोल नहीं पाती है। रूबीना फिर बोल पड़ती है, डायन बनने का सबसे जरूरी नियम यह है डायना कि डायन कभी किसी की सगी नहीं होती, अपनों की भी नहीं। इतना कहकर रूबीना कसकस कर हंसने लग जाती है। डायना डरते रहती है, उसके समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। रूबीना अपनी सारी शक्तियों को एक जगह पर एकत्रित करती है और एक अस्त्र की मदद लेकर डायना पर वार करते हुए कहती है, तू तो गई डायना। इतना कहकर रूबीना डायना पर वार करने के लिए एक अस्त्र को ऊपर की तरफ उठाती है और उससे वो डायना पर वार करने वाली थी कि तभी रूबीना की दर्द से कराहते हुए चीख निकल पड़ती है। रूबीना के हाथ में जो एक अस्त्र था उसकी पकड़ ढीली होने लग जाती है और एक अस्त्र जमीन पर जाकर गिर जाता है। डायना के कुछ समझ ही नहीं आता है कि अचानक से रूबीना को हो क्या गया था, वो इस दर्द से क्यों कराह पड़ी थी। देखते ही देखते रूबीना डायना के ऊपर ही गिरने लग जाती है। रूबीना डायना के ऊपर गिरती है, उससे पहले ही डायना गुलाटी खाते हुए वहां से हट जाती है। दोबारा जब वो सामने की तरफ अपनी नजरें करती है तो देखती है कि उसके सामने काला पोशाक वाला आदमी था जिसने अपने एक हाथ में वज्र पकड़ कर रखा हुआ था और उसके दूसरे हाथ में रूबीना की आधी कटी हुई चोटी थी। उस चोटी को देख कर डायना समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। जब रूबीना डायना पर एक अस्त्र से वार करने वाली थी उस वक्त काला पोशाक वाले आदमी ने वज्र से रूबीना की चोटी को काट दिया होगा। काले पोशाक वाले आदमी के हाथ में जो रूबीना की चोटी थी उसमें अपने आप आग लगने लग जाती है। उसी वक्त वो काला पोशाक वाला आदमी रूबीना की चोटी को नीचे फेंक देता है। रूबीना की चोटी के जलने के साथ ही उसका शरीर भी अपने आप जलने लग जाता है। देखते ही देखते रूबीना की चोटी और उसका शरीर जलकर पूरी तरह खाक हो जाता है। डायना काले पोशाक वाले आदमी को एकटक देखते हुए उससे हैरानी के साथ कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने माई को क्यों मारा? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।